तो भाई साहब रूम तो हमारा बुक करा हुआ था, लेकिन बट क्या यार वो हमारे को पसंद नहीं आया, इसलिए हम चेक कर रहे हैं। और सो अभी होटल मिल गया है, काफ़ी अच्छा रूम है। ये है होटल और अभी हम गाड़ी से निकालते सामान। बाबा चलो मेन्यू आपको प्योर वेज है? प्योर वेज सर, नॉन वेज क्या बात है। गाइस ये है अपना रूम, मैंने पहले वीडियो ऑन नहीं किया था, मैं हम भूल गए थे सो। और ये देख सकते हो आप, और अब हम जा रहे हैं सनसेट। yes. यहाँ का बहुत ही अच्छा सनसेट होता है। चले वरुण भाई। yes. चलो लुकिंग फैब ब्रो। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f- likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Woo! बंदे किस लिए लड़ रहे हैं? गाना ये भरत, इसकी वॉइस सुनना चाह रहा एक बार। ये देख लो, ये बचपन के दोस्त ऐसे लड़ते हैं, ये देख लो। जो अच्छे से यार गरम है। हम आए हैं डिनर करने अब, और गाने गा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम आज। और आज हम यहाँ का स्ट्रीट चेक कर रहे हैं। हाँ दिस इज द फर्स्ट टाइम हम जब पहली बार पैदल चल के मार्केट देख रहे हैं आने के बाद में। हाँ बिल्कुल। और भरत अभी पूरे गाने के मूड में, आधे घंटे से गाने गाने करे जा रहे हैं, तो हम तीनों अब जैमिंग करने वाले मस्त। चलो बाबा इधर से। भाई सो गाइस आज हमारा दिन खत्म होने की तरफ आ गया है। कोहिनूर पूरा मस्त हो गया है, भरत पूरा मस्त हो गया है, और हमने काफी कुछ खा लिया है। पिज्जा खाया बाबा, दो दो तीन तीन पिज्जा हमने पूरे पैकेट्स भर दिए पिज्जा के, टेबल भर दी पूरी की पूरी। और उसके बाद हम बस नॉर्मल आइसक्रीम एंड ड्रिंक करके अब रूम की तरफ जा रहे हैं। सो दिन काफ़ी थकाने वाला है गाइज, हम सब थक चुके हैं। और अब गाइज आप लोग भी सो जाओ, अब कम कल मिलते हैं गुरु शिखर पे नेक्स्ट एपिसोड पे। हाँ, कल का एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल हम मोस्टली राइडिंग करेंगे पूरे दिन। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। है हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई व्लॉग। और आज हमारी जर्नी का तीसरा दिन है, और हम ये देख लीजिए, ये बैक साइड में होटल है। इस होटल में हमने रूम स्टे कराया, बहुत ही सुंदर रूम्स है इसके, हमारे बजट में है। और आप कभी भी आए यहाँ तो इस होटल में विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ की लोकेशन, और अभी मैं आपको यहाँ के ड्रोन के अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ी सनलाइट लो होती है, तो उसकी वजह से ड्रोन के शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से होटल जो ऊपर है हमारा थोड़ा सा, उसका व्यू कितना सुंदर आ रहा है।
अपन ड्रोन के शॉट लेते हैं। सो गाइस, कैसे लगे आप लोगों को ड्रोन के शॉट्स? और इसके बाद अब हम जा रहे हैं नहा धो के, अच्छे से मून फ्रेश होके, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम कोशिश करूँगा वहाँ के भी आपको मैं ड्रोन के शॉट दिखा सकूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बिकॉज आपको पता है हिंदुस्तान में ड्रोन का जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ये मेरे को पता नहीं क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हम बैड चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे इसको, हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो बैड चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। थैंक यू। सो गाइज, अभी हम रेडी हो चुके हैं और इधर गौरव रेडी है, उधर भरत रेडी है और इधर मैं रेडी हूँ। एक लेमन की चुस्की लेते हैं और चलते हैं गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी है, और उसके बाद में मजा होगा। फिर लेमन ट्राई। चलो, ये वाला चैलेंज करना आप लोग, बिना फेस को बिगाड़े लेमन चूसना है ना। ये मेरा चैलेंज है, अब इसको आप करो। सो अभी रूम चेकआउट हो गया है और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि गुरु शिखर अभी अप्रैल में कैसा है वहाँ का वेदर व्यू। आपको ज़्यादा चाहिए और अब चेकआउट करते हैं। सो गाइस, द डे इज स्टार्टेड एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गुरु शिखर। And we have got a single person to drive the car only. This is the Baburao for today.
भैया यहाँ से भी see the efforts he is putting guys. How are you feeling today brother? Very amazing. And this is the hotel that we have stayed here. Bharat is with full energy today. Yo Baba. Yes. You are beautiful. I'm handsome and you beautiful. So guys, हमने गुरु शिखर की टूर स्टार्ट कर दिया है और कोहिनूर is obviously is driving today. Today ना. भरत अपने मार्केट में लगा हुआ है. So guys, आज की थीम होने वाली है हनी सिंह एंड बताओ भरत हनी सिंह और सिद्धू मूसेवाला. बस ये दो ही गाने चलेंगे आज. So आज ये दो गाने ही चलते रहेंगे और जर्नी काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि रास्ता काफी अच्छा है. Like थोड़ा सा एडवेंचर रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए. Look at this beauty guys. Look at this amazing view guys. और ये तो बस शुरुआत है, इस तरह से काफी आने वाले हैं अभी. हम आपको एक एक चीज की खबर देते रहेंगे सर. बहुत शानदार है जो भी है. इंग्लिश वाइन शॉप धर्मशाला काफी अच्छा टूर प्लेस है गाइस. आप सबको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए अगर राजस्थान का टूर बना रहे हैं तो. बेस्ट हिल स्टेशन इन राजस्थान है ना. यस लाइक आप माउंट आबू आए हैं तो आपको गुरु शिखर तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए. और सबसे बेहतर ये रहेगा खुद की गाड़ी में आइए, ड्राइव सेफ. Let's guys, let's start the music and rock this journey. See you. Yo Bharat. Yes. Hey bro. Anjali sir. नहीं यार. किस चीज़ के लेने एक बार पूछना है बस. किस चीज़ का टोल है? ये यात्री कर आप घूमने जा रहे हो उसी गाड़ी का. Okay okay. So guys. ले लो केरी खाओ तो ले लो. बढ़िया ताजी वाली केरी है. नहीं यार thank you. नहीं डेट सब जाएगा. एक दिन इस दो. So guys. अभी हम फोटो शूट के लिए उतर रहे हैं. और ये उतर गया. मैं ये देखो एक पैर मैंने बाहर रखा ला अभी. वाओ अमेजिंग. डीएसएलआर की बैटरी चार्ज करेंगे क्या. हाँ गौर साहब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए देखिए. और अभी हमने कैमरा को लगा दिया है सेकंड मोड पे. चलो खेल दी वो. गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. हम 3000 आरपीएम के अंडर ही आराम से चला रहे हैं. 2500 आरपीएम पे गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है. विदेशी इवन. सो गाड़ी काफी अच्छी है. ये हमारे पूरे व्लॉग की माँ बहन एक करते हुए पीछे से. सो इस पे हमें वॉइस ओवर डालना पड़ेगा. नहीं नहीं म्यूट. इसको म्यूट कर देंगे. हाँ लगे जी यार दुकान के अंदर कौन रहे तो तार ऐसे भाई क्या बात. बड़े सारे बस चले तो गुंडे भगवान बना दे मैंने. सो गाइस ये व्यू देखिए काफी ब्यूटीफुल व्यू है. लगाया भाई कोलर लगाई. सो अभी जस्ट गाड़ी स्टार्ट हुई है. आगे आगे हमारे साथ जुड़े हुए रहिए. आपको काफी अच्छे अच्छे नजारे देखते हुए मिलेंगे हमारे साथ. लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइस. अमेजिंग. एंड इवन लोग यहाँ पे रह रहे हैं गाइस. अच्छे से हो गई. यस लाइक इट्स वेरी हार्ड डिफिकल्ट जॉब टू डू हियर गाइस. Thank you.
सो गाइस कार पार्क करती है और अनफॉर्चुनेटली ड्रोन के शॉट्स यहाँ नहीं है अलाउ. पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आता है हिंदुस्तान में ड्रोन का कल्चर कब आएगा. एवरीवेयर ड्रोन बट हम समझते कि ऐसी जगह नहीं उड़ाना चाहिए फिर भी क्योंकि आप पास में एयरफोर्स है. पास में एयरफोर्स है तो फिर हम उस चीज़ का बिल्कुल पालना करेंगे उसकी. ये है यहाँ का स्ट्रीट लोकल मार्केट वेरी गुड. ये चश्मा वगैरह हेड शो वगैरह ये देखिए ये लोकल मार्केट है यहाँ का. उसके बाद में ह्यूज मार्केट अच्छा है लेकिन वेल सेटल्ड मार्केट. टेम्पल आ चुका है और हमें जाना है वहाँ पे. वाह पिक्चर्स गैलरी Thank you.
गाइस अभी हमने जस्ट मंदिर के दर्शन करे हैं। अंदर एक्चुअल में अलाउ नहीं थी वीडियो फोटोग्राफी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ। ओके अभी हम फाइनली माउंट आबू से निकल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सांवरिया सेठ और हाईवे पे निकाल हाईवे पे जा रहे हैं। फिर अब सांवरिया सेठ के भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ये एक ये हिडन था हमारे ट्रिप का, बुलावा आता है जब भी जाते हैं। और सांवरिया सेठ ने मेरे को शायद तक अब तक पांचवी बार, अगर आज जाऊँगा मैं तो पाँचवीं बार जाके आऊँगा। लव यू, सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय गाइस, और हमारा माउंट आबू आज फिनिश हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया सांवरिया सेठ जा रहे हैं। तो गाइस बाय, और प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ चीज़ें मेरे से पूछनी हो पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक और आपकी स्क्रीन के नीचे मेरा नाम आ रहा होगा इंस्टाग्राम का। सो गाइस अब चलते हैं सांवरिया सेठ के। गाइस हम अब बस घाटी खत्म हो चुकी है माउंट आबू की तरफ से। ये आते टाइम कम थी, जाते टाइम घाटी कितनी ज्यादा लग रही है ना। यस, क्योंकि भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कोई नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है एंड वी नीड अ रेस्ट फॉर 5 मिनट ऑब्वियसली। यस, घाटी के अंदर घूम घूम के हमारा दिमाग खराब, और हमारा थर्ड मेंबर अभी काफी तरीके से अच्छे से आराम कर रहा है। ही इज जस्ट ऑलमोस्ट लेफ्ट इन कंफर्ट जोन में। या ही इज इन द कंफर्ट जोन। गाइस बहुत बुरा थक गए हैं हम भी, बट स्टिल वी हैव एनर्जी टू रीच होम। कमेंट जरूर करें आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर। और अगर कोई आपको लगे कि भैया ये इसको आप रिकॉर्ड करो, ऐसा भी कुछ हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल गाइस, आप अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट्स लेके आइए, हम अगली बार आपको जरूर फुलफिल कर देंगे। बिल्कुल, कीप वाचिंग गाइस। दिस इज आवर लंच टाइम। See, that beautiful hotel. It's not a hotel, it's a motel. Motel. So this is how currently the car is looking, guys. Gaadi kaafi achha perform kar rahi hai. Just like our guys. This is a hotel jisme hum abhi ja rahe hain, kaafi zyada badi hai guys. लाइक हमें दो से तीन मिनट तो इसको इधर से इधर आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं, तो सो रिव्यूज जो रहेंगे काफी ऑनेस्ट रहेंगे गाइस हमारी तरफ से। कैसा लगा खाना? खाना बहुत अच्छा था। नहीं है होटल, कैसा लगा भरत खाना? जबरदस्त, अल्टीमेट। मैं खुद से भी पूछ लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका खाना। खाना खाना मैं तो खा के मज़ा आ गया। गौरव का गेस्ट सही निकला, और आप लोग यहाँ आ सकते हो जब माउंट आबू से आप खुदोपुर की तरफ वापस हाईवे पे टच हो गए तो। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, आई थिंक तो ये नया है। गौरव भाई, गौरव भाई thank you.
व्यू। मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया है और आप लोगों का भी साथ बना रहेगा, तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे और आपको भी घुमाते रहेंगे हमारी वीडियो हमारे व्लॉग के माध्यम से, तो आप ये एंजॉय करिए। So guys, show me. So guys, almost 250 kilometers without stop car चलाई है और एक बार शायद पेट्रोल फिल कराया वापस ना। हाँ और अब जस्ट मतलब ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर्स सांवरिया सीट और है, सो भी आपको अंदर से कोशिश करेंगे अंदर से दर्शन कराएं। सो बने रहिए वीडियो के अभी पार्किंग में गाड़ी लगाई है और अभी हम जा रहे हैं सांवरिया सीट के दर्शन करने। और आई थिंक यहाँ पे अभी इतनी पब्लिक नहीं है और शायद मैं चौथी बार आया हूँ यहाँ पे। जय श्री श्याम। एवरीबॉडी से व्हाट्स हैपनिंग विथ। सो गाइस हमारे अभी जूते हैं, वैसे ऑब्वियसली कोहिनूर के जूते चोरी हो चुके हैं एंड अभी हम वैसे आए तो थे जूतों के साथ में, बिना जूतों के साथ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट नो इश्यूज गाइस, ये सब चलता रहता है मंदिर के अंदर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट इसके बदले में हमने ये नहीं है कि दूसरे के जूते पहन लिए, हम नंगे पैर जा रहे हैं ना, आप लोग भी क्या पता उसको जरूरत हो। हाँ या गलती से पहन गए हो, बट स्टिल गाइस डोंट वरी। हाँ कोई नहीं, लेने वाला वही है, लेने वाला भी दर्शन करके मजा, कोई बात नहीं गाइस, नहीं लेंगे आनंद जाते हुए शॉपिंग करेंगे और क्या, एक मौका ही समझो इसको। सो गाइस अब सिचुएशन ये है कि गाड़ी चलाने के लिए जूते तो चाहिए होंगे, सो कोहिनूर मेरे जूते पहन रहा है। नो वरीज गाइस, मैं तो वैसे पीछे बैठने वाला हूँ, बस आराम से पीछे सीट पे लेटेंगे। कार ऑलमोस्ट 921 किलोमीटर चल चुकी है और अभी एक छोटा सा टी का ब्रेक लिया है हम लोगों ने। डायरेक्ट सो गाइस अब हम मस्त डिनर करेंगे, अजमेर हमारा घर है